जय हिंद जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCN न्यूज 24 चैनल के फेसबुक पेज पर लाइव हैं हम, और मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। आपको बता दूं, इस समय मौजूद हूं रोहिणी के सेक्टर 6 के अंदर, और जिस वाक्य को या जिस घटना को लेकर के हम आपको बताने वाले हैं या जो बात करने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं आपको हैरान ज़रूर कर देगी। क्योंकि जब कहते हैं ना कि खाकी के नीचे ही अंधेरा या दिए तले अंधेरा, और उन्हीं चीज़ों को जागरूक या बताने के लिए आपको ये वीडियो बना रहे हैं हम। जो महिला इस समय मेरे साथ मौजूद है, और इनके साथ पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, क्षेत्र में एक्टिव हैं, और फिर भी नाक और कान कटा बैठी हैं। और सिर्फ अकेली ये वो महिला नहीं है जिनके साथ इस तरह का हादसा हुआ है, अनेकों महिलाएं हैं। लेकिन दाद दूंगा मैं इनको, इनकी बहादुरी को, कि इन्होंने अपनी बात कैमरे के सामने रखी तो। और पुलिस प्रशासन को सब कुछ पता है, बिना पुलिस की जानकारी के, बिना पुलिस की निगरानी के ये काम हो ही नहीं सकते। अगर क्षेत्र में लगातार CCTV कैमरे भी लगे हैं और खाकी वर्दी घूम भी रही है, लगातार जो है जिप्सी घूम रही है, सायरन बजा के घूम रही है, और उसके बावजूद भी लगातार अगर इस तरह के हादसे हो रहे हैं, और हादसे क्या कि पढ़े लिखे इंसान को, वो भी सिर्फ ज़्यादातर 99% महिलाओं के साथ इस तरह के हादसे हो रहे हैं, क्या कि कुछ सुंघा दिया या हिप्नोटाइज कर दिया, किस तरह से करते हैं वो भगवान जाने। और इंसान खुद ब खुद उनको अपना जो भी कीमती सामान है, वो कान में हो, हाथ में हो, अंगूठी हो, ज्वेलरी हो, जो भी मतलब कीमती सामान है, वो खुद ब खुद उनको देने लगता है। और 5-7 मिनट के बाद जब होश आता है तब पता लगता है कि मैं ये क्या कर बैठी। तो यही सेम हादसा इनके साथ हुआ है, और एक बार बात करेंगे इनसे कि किस प्रकार हुआ था ये। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं फ्राइडे मार्केट गई थी जी। मेरा नाम सुनीता है हाँ। तो वहाँ पे दो लेडीज़ थी जिन्होंने मेरे थैले में रुमाल डाला, मैंने रुमाल निकाल के उसके मुंह पे मारा और उसने मेरे ही मुंह पे लगा के, उसके बाद मेरे को पता नहीं चला। और A1 के सेक्टर 6 में पार्क में मेरा सब कुछ लूट लिया उन्होंने। 2 चैनियाँ थी, 2 लॉकेट थे, 6 अंगूठियाँ थी हाँ। और उसके बाद लूटने के बाद वो मेरे को पार्क में से निकाल के ये मेन रोड पर ले गई हैं। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को पान वाले खांचे में धक्का मारा और मेरे को उसके बाद पता नहीं चला वो कहाँ गई कहाँ नहीं गई। नहीं, एक बार पूरी बात बताओ कि वो दो महिलाएं कौन थी, कहाँ से आई थी, कहाँ से आई थी, कैसे हुआ? वो मैं एक तो बंगालन सी लग रही थी जी। और एक पंजाबन सी लग रही थी, दोनों ने सूट डाल रखे थे। दोनों अचानक आई थी या एक आई थी? दोनों, एक ने पूछा मेरे से कि जय वाला जय राजस्थान की बस लेनी है, मैंने बता दे बेटा कहाँ मिलेगी, तो मैंने कहा मेरे को नहीं पता। नहीं नहीं, मतलब वो आपसे ज्यादा एज की थी? हाँ, काफी एज की थी वो। हाँ, तो मैंने कहा मेरे को नहीं पता हाँ। तो कहते ही फिर वो दूसरी फल वाली रेडी पे ही खड़ी थी, उसने फल तो लिए नहीं, मेरे को बीच में घेर लिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने रुमाल फेंका, मैं आने लगी हूँ तो भाई रुमाल मैंने उसके मुंह पे मारा है और उसने मेरे मुंह पे देखे, कहती कोई आया इसके अंदर, कुछ भी तो नहीं है। फिर उसके बाद मेरे को पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, कब की बात है, कितने दिन पहले? ये 6 तारीख की बात है, ये फ्राइडे मार्केट, ये 6 मई की शाम को 7:30 के बीच में हुआ जगह। हाँ, 7:30-8 के बीच। आपकी एज कितनी है? मेरी 45 होगी। उनकी एज कितनी होगी? वो जो आंटी वो ज्यादा थी। कितनी रही अंदाजा? एक जो मेरे से एड्रेस पूछ रही थी उसकी तो होगी 55-60 की। अच्छा, और एक जो दूसरी थी उसकी होगी ज्यादा 32-33 साल की। अच्छा, 35 साल की। हाँ, और जो आपसे पूछ रही थी हाँ, वो उसकी एज ज्यादा थी, 55-60 की। हाँ, 55-60 तक की थी। अच्छा, इसके बाद कोई कार्रवाई हुई हो आपने पुलिस में? ना, मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई है, फोन करते हैं वो उठाते नहीं है, बस हमें कॉपी दे दिया उन्होंने, बस FIR काट दिया। बस उसके बाद कोई CCTV चेक किए हो क्या? ना ना, कुछ नहीं किया, उल्टा मैंने CCTV कैमरे में से निकलवाई है फोटो, उसमें क्लियर नहीं आ रही उनकी फोटो, क्लियर नहीं आ रही। हाँ, और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये पहला हादसा नहीं है क्षेत्र में, ना जाने कितनी महिलाओं के साथ ये हादसे हो चुके हैं। और किस तरह से हिप्नोटाइज करते हैं, आपको पता लगा किस तरह से लोग करते हैं? मतलब पता ही नहीं, बस वो रुमाल ही मेरे को उन्होंने मेरे मुंह पे मारा और उसके बाद मेरे को पता ही नहीं। और एक वो गड्डी भी मेरे थैले में डाल रखी थी उन्होंने। किस तरह की गड्डी? वो गत्तों की गड्डी थी। है वो आपके पास? ना, वो तो मैंने उसी टाइम फेंक दी। उसके ऊपर 10 का नोट चिपका हुआ था, वो तो मैंने जब आके मेरे को थोड़ी होश आई है ना तब देख। गड्डी के ऊपर 10 का नोट? इतनी गड्डिया थी, इतनी 10 के नोट की गड्डी होती है ना, ऐसे आवाज नहीं आएगी मुझे ना। मैं समझा रही हूँ, 10 के नोट की गड्डी होती, वो बोल 10 के नोट की गड्डी है वैसी बनी, ऊपर 10 का नोट। इनको इसके बारे में पता है या नहीं पता? पता है, तो फिर मैं वही तो करूँ, आप बताओगे ना तो आपकी आवाज नहीं आएगी यहाँ तक। मैं नहीं बता रही हूँ आवाज। हाँ, इतनी गड्डी थी, गत्ते थे उसके अंदर, ऊपर 10 का नोट चिपका रखा था।
वो आपके थैले में डाली? हाँ, वो थैले में डाली हुई थी। तो आपको पता लगा था वो थैले में डाला आपके? ना, वो मेरे को नहीं पता था, वो तो मैंने आके देखी जब वो। अच्छा, आपको होश कितनी देर बाद आया, आपको कब पता लगा कि मेरा सारा सामान? कम से कम 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद होश आया मेरे को। जब आया तो मैं उनके पीछे भी भागी हूँ, पर मेरे को नजर नहीं आई। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा, जो हादसा जिन महिलाओं के साथ ये होता है, एक बार गुजारिश जरूर करूंगा कि अपनी आवाज उठाने की एक बार हिम्मत जरूर करें, क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन सो चुका है तो कम से कम आप लोग जाग जाएं, कि आप लोग अपनी बात को अगर उठाते रहेंगे लगातार समाज में ये चीज जाती रहेगी, तो कम से कम जिन जो और महिलाएं हैं, जो और समाज में जो लोग हैं, उन तक ये बात पहुंचेगी, तो कम से कम कुछ जागरूक जरूर होंगे। और उन महिलाओं से भी मैं एक बार निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपको इस तरह के किसी भी व्यक्ति के ऊपर संदेह होता है, या कोई भी अनजान व्यक्ति आपसे किसी भी तरह की बात करना चाहता है या करने की कोशिश करता है, तो उससे बिल्कुल बात ही मत करें, क्योंकि आज का जो समय है वो कहीं ना कहीं वो आपको कुछ में रुमाल में पकड़ के या रुमाल में डालकर आपको कुछ सुंघा देंगे, तो शायद आप कितने भी समझदार हैं, कितने भी चतुर हैं, आपके साथ ये हादसा हो जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा जी? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और ये पुलिस वाले बिल्कुल मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, रिपोर्ट भी लिखवा दिया मैंने। अब देखो, ये साधारण परिवार से रहते हैं, ये कोई टाटा बिरला लोग नहीं है, लेकिन अपनी पूरी जीवन की मेहनत की कमाई जोड़ संगोड़ के तब जाके कुछ ना कुछ अपने लिए सामान या बच्चों के लिए सामान तैयार करते हैं, और जब ये हादसा इस उम्र में हो जाएगा तो कहाँ जाएगा वो इंसान? पुलिस प्रशासन के पास जाएं तो उनका काम है सिर्फ, पहली बात तो FIR दर्ज नहीं होगी, अगर लिखते ही नहीं है, और अगर लिख भी दिए तो आज उन बातों को एक हफ्ता होने जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं है, कोई CCTV फुटेज नहीं है। और सेम हादसा रोहिणी के सेक्टर 5 में हुआ था, नाम नहीं लूंगा मैं सिर्फ उस महिला का, उन्होंने प्रेशर किया, ऊपर से दबाव डलवाया, तो तीसरे से चौथे दिन उनको सामान जो है वो गिरफ्त में भी आ गए और सामान भी बरामद हो गया कि हाँ इनका ये सामान है। और अगर जिसके पास कोई प्रेशर नहीं लगेगा या कोई दबाव नहीं डालेगा तो खाकी कुछ नहीं करेगी, क्यों? उनके नाक के नीचे सब कुछ उनकी जानकारी में हो रहा है। अगर उनके नाक के नीचे हादसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? उनकी जानकारी में नहीं हो रहा। अगर आप लोगों को वाकई ये लगता है कि उनकी जानकारी पुलिस की कहीं ना कहीं मिली भगत इन चीज़ों में रहती है, तो एक बार अपनी कमेंट बॉक्स में इस तरह की राय जरूर देना कि उनकी मिली भगत रहती है या नहीं रहती है। अच्छा, पुलिस प्रशासन ने क्या कार्रवाई की? अभी तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने, फ़ोन नंबर दे रखे हैं, हम फ़ोन करते हैं, फ़ोन ही नहीं उठाते, फोन नहीं उठा रहे, नहीं उठा रहे। अच्छा, सुबह भी मैंने किया, अभी भी किया इनके घर। अच्छा, क्या क्या सामान था आपका जो गया? मेरी 2 चैनें थी, 1 डायमंड का लॉकर था, 1 सिंपल लॉकर था, 6 अंगूठियां थी। आप इतना सामान पहन के क्यों गए थे बाहर? मैं मैरिज पे, मैं तो पहन ही रखती थी, वो 20 साल हो गए मेरे को पहने, उतारती नहीं थी मैं। आजकल इतना धर्म थोड़ी है, अब वो टाइम है, आपको लगता है कि हाँ इतना सामान पहन के हम घर से बाहर जा? एक बात बताओ, मर के पहनना है, आगे पीछे कोई है नहीं, अनमेरिड हूँ मैं, मैंने शादी नहीं की, तो पैन ही रखती थी मैं। तो अब दुख हो रहा है, नहीं हो रहा है? अब दुख हो रहा है, क्या करें, अब पछता रहे हैं हम। देखो, अब ये अकेली लेडी से उतनी दूर से आवाज ही नहीं आएगी मेरे तक, मैं तो सुन लूंगा। आप बोलो ना, हम 2 सिस्टर रहती हैं, एक जो मेरी सिस्टर है, इनके हस्बैंड की डेथ हुई है, मेरे पास ही रहती है, मम्मी पापा नहीं है, एक मैं। अब दोनों आपके साथ हादसा हो गया? हाँ, तो 6 दिन हो चुके आपके साथ? हाँ, को हैं मैंने, और फ्राइडे को 8 दिन हो जाना। अच्छा, आपने और भी सुना होगा इस तरह के हादसे और भी हुए हैं ना, इस तरह पहले भी इनके साथ हुए? अच्छा, आप ही के साथ हुआ था? अच्छा, जब आपको पता था कि पहले इस तरह के हादसे हो चुके हैं, और चलो हाँ इनकी तो गलती है ही नहीं उसमें, क्योंकि वो तो जब गलती से रुमाल कोई डाल देगा तो लाजमी बात है निकाल के वापस तो करेंगी, और जैसे इन्होंने वापस किया, उन्होंने पलट के इनके मुंह पे लगा दिया। अब उस चीज में आदमी को समय भी इतना नहीं मिलता कि वो संभल सके। सच्चाई ये है कि आदमी सोचेगा कि मैं इतना समझदार हूँ कि कल को मेरे हाथ में ही लगेंगे तो मैं बच जाऊंगे, संभल जाऊंगे, और संभलने का ही मौका नहीं मिलेगा। जब रुमाल के हाथ में सीधा अब ये चाबी है, या इस चाबी में अगर कुछ गलती से लगा है या जानबूझ के लगा, और इनके हाथ में लगा दूंगा तो इनको थोड़ी ये संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा, इनको तो लाजमी बात है। और फिर बात करेंगे पुलिस वाले क्या कि आपको पता भी नहीं लगा, आपको साथ ऐसा हो रहा था आपको पता नहीं लगा? अरे पता कैसे लगेगा, जब उन्होंने सुंघा दिया, इनको बेहोश कर दिया, 15-20 मिनट तक वो बेहोश रहे। क्या कह रहे थे? यही कह रहे थे कि आपको पता ही नहीं चला है। मैंने कहा हमें पता चलता तो हम पकड़ के पीटते ना उसको। हाँ बिल्कुल, ये कहा तो फिर उन्होंने रिपोर्ट लिखी है हमारी। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि ठीक है ये चीजें अलग विषय है कि वो एक्सपर्ट हैं अपने इस काम करने में कि भी इनको सुंघाने में, और वो ज्यादातर इन महिलाओं को अपना जो है निशाना बनाते हैं इन चीजों के लिए, क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं उनकी बातों में आ जाती हैं, या महिलाएं एक बार को हम ये कह सकते हैं कि भोले भाली होती हैं, लेकिन ये भोली भाली नहीं है, ये भी बता रहा हूँ। और इनसे पहले जो सेक्टर 5 की जो मैं बात बता रहा हूँ वो भी भोली भाली नहीं है। और मुझे बड़ी वाकई ये भी हैरानी होती है कि अब जो समझदार हैं, एक्टिव हैं, उनके साथ भी ये हादसे होने लगे, क्यों? ना तो इनके माथे पर लिखा ये एक्टिव हैं, और ना लुटेरों को ये पता है कि एक्टिव हैं,
उनको भी नहीं पता है और इनको भी नहीं पता, और ना इनको ये पता है कि वो लुटेरे हैं या वो मेरे साथ इस तरह का हादसा करने वाली, ये सब अचानक होता है। और अचानक भी किसने तरीके हो सकता है, प्यार से बंदा उसके साथ ही चलने लगता है, उसकी बातों में आके बह जाएगा, मतलब उसने कह दिया कि क्या नाम है आप उतार के दे दो, और खुद बे खुद उतार के देने लगता है, और होश आता है 15-20 मिनट का दाता, पता लगता है कि हम तो पूरे कंगाल हो चुके हैं। यही हुआ है ना। अच्छा माता जी आप आ जाइए, खुद उतारते हैं, बताओ। अब देखिए ये इनके साथ भी पता लगा है कि इस तरह का हादसा हुआ है। नमस्कार माता जी, कब हुआ आपके साथ? तारीख तो मुझे याद नहीं है, उसमें हुआ था दिसंबर में। दिसंबर में होता, क्या हुआ था और कैसे हुआ था एक बार वो बताओ थोड़ा सा। मैं गई थी यहाँ से 8:30 बजे सुबह, शाम को शुक्र बाजार, यही शुक्र बाजार, इसी शुक्र बाजार में। तो वहाँ मैं इनके मैं चप्पल खरीद लाऊ, और चप्पल वाला इधर मिला नहीं, मैं आगे चली गई वो LIG पार्क जो है। वो दो एक औरत थी जवान, एक जवान लड़का था। वो कहने लगे चलो अम्मा जी वहाँ बैठेंगे, उसमें क्या कहते हैं पार्क में बैठेंगे, ब्रंच पे जाके मुझे ऐसे बैठा दिया और मैं बैठ गई। मैं आपने पूछा क्यों बैठेंगे क्यों नहीं बैठेंगे? मैंने कुछ नहीं पूछा। तो मैं आगे आगे, वो पीछे पीछे, मेरे दोनों जने काफ़ी देर बैठे रहे बैठे रहे। कहने लगे ये उतारो ये उतारो, कान के उतारे और अंगूठी थी मेरी, वो उतार के अंगूठी और हाथ के उतार के मैंने दे दिया। चूड़ियाँ थी मेरी, 4 तोले की चूड़ी थी, आधा तोले की अंगूठी थी, 1 तोले के मेरे कान के चैन के टॉप्स थे, वो उतार टॉप्स नहीं उतर रहे, उन औरत ने मेरे उतारे जबरदस्ती। अच्छा, वो उतारे जबरदस्ती उतारे थे? हाँ, तो ऐसे रुमाल कर रहा था और ऐसे कर रहा था जेब में से, जवान लड़का था, जवान। अच्छा। हाँ, जवान औरत थी, जवान लड़का, लगातार आपको मतलब जो है रुमाल से सुना। हाँ हाँ हाँ, तो मैंने कहा ये क्या कि कुछ नहीं कुछ नहीं माता जी, कुछ भी नहीं है कुछ नहीं है, बस उसने जो रुमाल में बांध के वो मुझे दे दी के लो क्या कहें माता जी ये तुम्हारी चीज़ है, और ये मेरे थैले में डाल दिया, और ऐसे गत्ते के नोट जैसे इसके में थे। हाँ। ऐसे इसके तो छोटे थे, मेरे इतने बड़े थे, इतने सारे थे, और उसमें 500 का नोट लगा हुआ था, और क्या कहें नकली था असली था, एक असली था एक नकली था। अच्छा। वो मेरे थैले में डाला, नोट भी नकली था, जो नोट इनके जो है बैग में डाला वो नोट भी नकली था, एक नोट असली था और एक नोट नकली था। अब कितनी मेहनत से इतना मोटा था, इतना मोटा था वो गट्टा, जो कि मेरे थैले में डालने को कह दिया हम अभी आ रहे हैं तुम यहाँ ही खड़ी रहो, मैं 2 घंटे तक वहाँ खड़ी रही। तो आपको कुछ लालच दिया था क्या कि भाई हम ये पैसे की गड्डी आप रख लो या ये हमारे ये क्या कहते हैं हम अभी आ रहे हैं या हम ले लेंगे लौट के आके, तुम यहाँ खड़ी रहो, मैं वहाँ खड़ी रही, खड़ी रहे 11:30 बजे में घर आई। लालच बुरी बला है। 11:30 बजे घर आई, मैंने कहा ये आवाए अपना लेने आवाए आवाए ना आए। मैं 11:30 बज गए, मैंने वो खोला, रुमाल की गांठ मेरे से खुली नहीं, मैंने कहा सवेरे खोलूंगी। सही कह रहे हैं, ये रुमाल की गांठ भी इतनी मजबूती से लगाई होती है कि वो खुलती नहीं है इतनी आसानी से ना। सफ़ेद रुमाल था चारों तरफ, वो नीला जैसे इसके में था ना ऐसे ही नीली धारी का मेरा रुमाल था सफ़ेद। अच्छा, ऐसा ही था। अभी है वो रुमाल आपके पास यहाँ पे? अच्छा अच्छा, फेंक दिया मैंने तो, जब भी फेंक दिया, सब वो मेरे पास कोई था नहीं, हम तो हमने क्या कंप्लेंट कैसे करें, मैं अकेली हूँ, तो सब कहने लगे क्या करेगी पुलिस वाले तेरे को घेरते फिरेंगे, कहाँ जाएगी कहाँ क्या। अब देखो ये हालात, ये सच्चाई है कि इस उम्र में ये कहाँ जाएंगी, एक बार कंप्लेंट करने जाएंगी, दो बार करने जाएंगी, क्योंकि अब जिनके साथ ये हादसा हुआ वो लगातार फ़ोन कर रहे हैं, उनका फ़ोन ही नहीं उठा रहे, वो बता रही हैं। और कितनी मेहनत से, कितनी आज इतनी महंगाई के अंदर कितनी मेहनत से इंसान अपना सामान बनाता है, और जब ये हालात उसके साथ हो जाते हैं तो क्या बीतती होगी। इनके दुख दर्द को समझना होगा एक बार, सिर्फ ज़रूरी नहीं है हमें अपने दफ्तर में बैठना है। भागती मैं कैसे, ना मेरे बस की भागना ना मेरे बस की उनके पीछे लगना, अब आए नहीं आए, मैंने कहा अब तो 11:30 बज गए बाजार बंद हो रहा है अब घर चलो, बस फिर मैं घर आकर लेट गई। सिर्फ अपने सामान जो था वो गवा दिया, और उन लोगों को भी समझना चाहिए। बोली तो उसमें लोहे की 4 चूड़ियाँ थी। अच्छा, लोहे की 4 चूड़ी, वो सब जने कहने की 1-2 दिन रखी भी रही, सब कहने लगी ये लोग क्या, अब इसका क्या करना, बाहर फेंक दे, बाहर फेंक। अब इसका भी एक बहुत बड़ा गैंग होगा जरूर, जो इनसे लेके गया उससे भी कोई ना कोई वो खरीदते होंगे, उसको भी बेचते होंगे किसी ना किसी सुनार को, और वो सुनार भी कितना मतलब जो है क्या बताऊं आपको कि वो उसका धंधा ही मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ इनके ऊपर टिका होगा, क्योंकि जब सस्ते सामान उनको बेचता होगा, सस्ते सामान वो खरीदते होंगे, और इनके सामान से जो है यहाँ से चोरी कर लिया, सुनार को बेच दिया, और
इनका दुखदर्द कौन समझेगा कि इस उम्र में जिस माता जी का सामान चोरी हुआ है, जिन्होंने कितनी मेहनत से कितनी शिद्दत से जो है उस सामान को बनाया होगा, और एक सेकंड के अंदर मतलब उन लोगों में दया तो है ही नहीं, इंसानियत तो है ही नहीं। मेरा एक कांड हो भी गया था, 9:45 बजे तो मेरा एक कांड हो भी गया था रात को। फिर मैं अपने खड़ी रही कि अब आए अपना सामान लेने, अब आए ना कोई आया तो मैं अपने घर आ गई। अब रात को ठंड पड़ रही थी, मैं अपना लेट गई। तो अभी यही सेम हादसा हुआ था रोहिणी के सेक्टर 3 में भी, बैंकट हॉल में हुआ था। हालांकि मैं इस बात पे नहीं जाऊंगा, सिर्फ हमारा मकसद है कि इन लोगों से सचेत रहें, जागरूक रहें, सजग रहें, जो इस तरह से बेवकूफ बनाते हैं। और अगर कभी भी आपको अनजान किसी भी व्यक्ति को अगर अपने पास में खड़े हुए देखते हैं, या उसके ऊपर अगर आपको शक होता है कि ये कुछ भी 1921 आपके साथ हरकत करे, तो उसे सजग रहें, जागरूक रहें। वो लड़का उस औरत का नाम लिया जा रहा था, अलका अलका ऐसे कर ले, अलका ऐसे कर ले, उसका नाम लिया जा रहा था उसका। और कंप्लेंट जरूर करवाएं, थाने में अपनी कंप्लेंट जरूर करवाएं, और जहां तक हो सके इन लोगों की वीडियो फोटो अगर है तो उसको वायरल जरूर करें, क्योंकि फोटो वीडियो भी नहीं होगी आपके पास तो उसकी कोई मैं पहचानती नहीं, मैं क्या जानू, मैं तो अनजान, मैं क्या जानू। तो एक बार बस यही अनुरोध करना चाहूंगा सभी दर्शकों से कि अगर आप लोगों को इस तरह का कोई हादसा या आपके साथ इस तरह का कोई हादसा होता है, या आपको पता लगता है कि किसी और के साथ इस तरह का हादसा हुआ है, तो कम से कम उसकी आवाज़ उठाएं और एक बार समाज में जरूर रहें, ताकि इस तरह की जो गैंग हैं वो जल्द से जल्द पकड़ में आ सकें। और पुलिस प्रशासन से भी उम्मीद करूँगा कि इस तरह की कार्रवाई करी जाए, ताकि बुजुर्गों के साथ या जो महिलाओं के साथ इस तरह के जो हादसे हो रहे हैं, कि लगातार एक हादसा नहीं हो रहा, लगातार इस तरह के हादसे होते जा रहे हैं कि उनकी अंगूठी उतार लेना, उनकी चैन उतार लेना, या उनके जो कीमती सामान है वो उतार लेना। पुलिस प्रशासन से भी एक बार अनुरोध करूँगा कि एक बार बिल्कुल निष्पक्ष होकर के जांच की जाए कि इस तरह के गैंग कौन हैं। हालांकि पुलिस की मिलीभगत बताई जाती है इन चीज़ों के अंदर, और अगर आप अपने आप को वाकई खाकी वर्दी में, सफ़ेद वर्दी में बताते हैं कि हम लोग बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम करते हैं, तो एक बार इस विषय पे भी निष्पक्ष होकर जाँच कर देना। बाकी आप लोगों को हमारा ये प्रयास कैसा लगा, इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। जय हिंद।